गाइस में भी पूरे में एक करेला लगे हैं थे। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस तो अभी बज रहा है 7। गाइस तो आज तो दौड़ने जा नहीं पाए क्योंकि लेट उठे, एक दिन का बस रोल कॉल था, उठ गए चले गए। गाइस कल से रेगुलर करेंगे क्योंकि कल रात को नींद नहीं लगी, क्योंकि कल मैंने रात को हॉर्न शूट किया एक तो उसी चक्कर में रात को नींद नहीं आई थी, 1:30-2 बजे सोया हूँ मैं लगभग। और गाइस अभी चल रहा है मेरा ब्रेकफास्ट सुबह का, इसमें मूंगफली, चने, बादाम, काजू और ये है चिमड़ी, जो खाऊंगा अभी। गाइस तो स्टार्ट होता है ब्लॉग और आगे देखते कैसा क्या हो। धूप अभी से देख लो आप, 7 बजे से चिड़ियाँ चहचहा आ रही हैं। गाइस तो आज का दिन देखते हैं कैसा क्या जाना, आज एडिट करना है, बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग पड़े हैं समझ लो मेरे एक प्रकार से, तो एडिट करेंगे और मिलेंगे। वीर जयराम, हमारे गांव के बुढ़े लोगों को जयराम करना पड़ता है सुबह सुबह, उनका दिल खुश हो जाता है। गाइस तो हम आए बड़ी अम्मी क्या ब्लॉग बना रहे ब्लॉग। गाइस तो हम आए हैं ताज़ी ताज़ी ककड़ी तोड़ने और गिलकी तोड़ने, जो कि भैया ने घर ही में लगाए हैं, फार्मिंग करे हैं सब्जी की। गाइस तो ये देख लीजिए लगी ककड़ी, ताज़ी ताज़ी ककड़ी तोड़ेंगे हम और फिर खाएंगे, बॉडी बनाएंगे और दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा करके। तो गाइस हमारा फार्म हाउस यहाँ से चालू होता है, ये पता नहीं काय के साइड काय के पौधे लगे बड़े अम्मी, ये गाइस यहाँ लगी भिंडी बरबटी, ये पौधे आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। पानी चलो है का आम के पेड़ गाइस। तो भैया गीलो आई, भिंडी बरबटी और यहाँ ये सब लगी गाइस ककड़ी, 3 लाइन में ककड़ी और 4 लाइन में भिंडी और बरबटी लगी है। और आगे चल के दिखाता हूँ आपको, तो गाइस ये लगी है, का लगी है गिलकी लगी है, गिलकी गाइस ये गिलकी लगी है और ये लगे हैं गाइस करेला, आई हेट करेला, करेला रेला नहीं खाता गाइस। और ये लगी लौकी, 3 लाइन में लौकी। और गाइस में भी पूरे में एक करेला लगे हैं थे जी, पूरा हमारा फार्म हाउस यहाँ तक है, बाकी बीच में आम के भी के सब प्रकार के थोड़े थोड़े फल लगे हुए हैं, ये देख लो गाइस यहाँ तक है। अभी थोड़ा और बढ़ाना है, बढ़ जाएगा ये तार वाली खोल के साइड बढ़ाना तो बढ़ जाएगा जैसा जो होगा। और चिमड़ी भी लगी हुई है गाइस, लेकिन ये भैया ने बहुत गलत किया, करेला लगा दिया, बहुत गंदे करेला गाइस। ये फार्म हाउस घर ही में लगा हुआ है, सेल एल के लिए बिल्कुल नहीं, घर के खाने के लिए, घर वाले ही खाते हैं पूरी चीज़ें नहीं तो जो जो सब्जियाँ निकलती हैं वो खाते हैं, ताज़ी खाते हैं, जब बनना रहती तुरंत तोड़ो तुरंत खाओ। गाइस ये है पूरा फार्म हाउस, आई होप आप लोग देख पा रहे हो। तो गाइस अब चलते हैं घर, सब्जियाँ लेके बनेंगे खाना फिर खाएंगे। पकड़ो ऐसा लॉलीपॉप खाते रहेंगे, नीचे बैठ पेट के ऊपर नहीं, इधर टेबल के ऊपर बैठ जा। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाते लॉलीपॉप, गंदे बच्चे खाते लॉलीपॉप, लाडो गंदी है, बहू बैठी आज लाडो गंदी है लॉलीपॉप खा रही। सो गाइस अभी बज रहा है 5 और हम तो खाए पिए ना आए, दो सो गए थे फुल टल्ली होके, मतलब फ्री फायर करना ही डायरेक्ट सो गए थे क्योंकि सुबह से जल्दी उठ जाओ, बट लेकिन आज तब भी 6 बजे उठे लेकिन तब भी नींद आ रही तो मैं सो गया था गाइस। गाइस एक और हॉरन ब्लॉग रेडी है हमारा, गाइस ये भी रियल है, जो है साफ है, मैं जो दिखाता हूँ रियल दिखाता हूँ, फेक बिल्कुल नहीं, बाकी यूट्यूबरों की तरह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो भी यूट्यूबर वाले होंगे मैं सबको नहीं बोल रहा क्योंकि सब रियलिटी नहीं दिखा पाते होंगे, जो है
दिल से नहीं लेना, मन से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मेरे को खुद नहीं पता। गाइस अभी निकलते हैं, अभी बहुत तेज धूप है और शाम को जिम रनिंग अपनी वही है पूरा रूटीन। और गाइस अभी पहन लिया बाली, क्योंकि बाल है छोटे तो बाली थोड़ी अच्छी रहेगी, बाल छोटों में विलन वाला रोल गुंडा टाइप का लूँगा, इसमें भी पहनना है कि जो थोड़ा बहुत लोग डरे, डरते तो हैं थोड़ा और डरे। बाकी तो गाइस अभी देखते हैं कैसा क्या है, धूप बहुत तेज है, घर से हम ना निकलेंगे अभी बाहर, तो मिलते हैं गाइस और जो होगा देखा जाएगा। गाइस तो अभी बच चुके हैं 5:30, 5:24 हो रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं मठा लेने एक टंगा डिब्बा। थोड़ा सा दूर जाना है, गांव के बाहर है एक जगह, वो प्लेस दिखाऊंगा आपको कहां से मैं मठा लेके आऊंगा। डिब्बा रख के आना, फिर अपने आप घर में आ जाएगा। तो गाइस चलते हैं। गाइस तो मैंने मठा ले चुका, ये रखा डिब्बा में, भरा है डिब्बा। और ये लोकेशन मठे की जहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं, बड़ी बहू लगती है, बड़ी बहू कहाँ से, इनके पास भैंस भी है लेकिन अभी वो चरने गई है। गाइस यहाँ से गौशाला पास भी है लेकिन अब मैं नहीं जा रहा हूँ गौशाला, अब वो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी वो कि नहीं, लेकिन बट पास ही में है, मैं नहीं जा रहा, मैं निकल रहा हूँ घर, अब ब्लॉक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। गाइस तो जिम टाइम इज़ ऑन, 6 बज चुके हैं, जिम करने का टाइम हो चुका है और 1 घंटा अपना मस्त जिम करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे रनिंग में। रनिंग के आने के बाद फिर देखेंगे कैसा है क्या है, अभी तो 6 बज रहा है, 1 घंटा 7 बज जाएंगे और फिर कहीं निकलना मुमकिन ही नामुमकिन है। और गाइस ये एक मिल रहा है कलाई का, आज चेस्ट प्रेस मारना है तो इसमें थोड़ा सा वेट वजन पड़ेगा, लेकिन एक हाथ का मिल ही नहीं रहा है, हाथ का मिल ही नहीं रहा, देखते हैं ढूंढते हैं, अभी तो एक ही से काम चलाता हूँ। फाइनली गाइस तो जिम कम्प्लीट हो चुकी है, इतनी खुशी मुझे 50 हो चुके हैं और अब रनिंग का टाइम हो चुका। कल बहुत अंधेरा हो गया इसलिए सोचा मैं जल्दी चले जाऊं, 5-6 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, उसके बाद रनिंग करने जाऊंगा। अब भी जस्ट उन्होंने ग्लूकोज पानी पिया है, जिम इज़ कम्प्लीट। तो गाइस तो निकलता हूँ रनिंग के लिए 2 मिनट बाद। तो फाइनली दोस्तों तो बैक टू होम रनिंग से। गाइस आज बहुत तेज थक चुका हूँ मैं रनिंग करके, आज नॉन स्टॉप 2 किलोमीटर रनिंग किया, नॉन स्टॉप 2 किलोमीटर, वो भी बहुत कम टाइम में, कहा टाइम तो नहीं मिला पाया लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम टाइम है। तो गाइस आज तो ज़्यादा कुछ ब्लॉग में दिखा नहीं पाया, तो आज का ब्लॉग तो थोड़ा अच्छा है, ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल है कि आप लोग एंजॉय ना कर सको, और सब्सक्राइब भी ना करो चैनल को, लाइक भी ना करो, कमेंट भी ना करो। तो गाइस तो ये ब्लॉग आज का डे ऑफ ब्लॉगिंग ख़त्म होता है, अभी 7:30 से अब हो चुका है, थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगा और फिर ब्लॉग एडिट करना है, उसमें बहुत टाइम लगता है, फ़ोन ही में एडिट करो पूरा तो बहुत समय, 30 से ज़्यादा समय लगता है। क्या बताऊँ गाइस, कुछ है नहीं एडिट करने के लिए, ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, ले लेंगे समय आने पर, सब चीज़ ले लेंगे। गाइस तो ये ब्लॉग मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आए। तो गाइस यदि ब्लॉग पसंद आए लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जो भी नए हो, और जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक फॉर वॉचिंग।